गरीबों की आंखों के आंसू पहुंचती है तो गरीबों की इन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात नारायण दिखाई देगा। दरिद्र ही नारायण है और जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। आज डॉक्टर राजीव को देख के मुझे ये लगा, ये दिन और रात जनता रूपी भगवान की सेवा में डॉक्टर के रूप में लगे थे और आज भाजपा ने इसलिए इनको अपना उम्मीदवार बनाया है। अरनिया वालों, आप बॉर्डर पर रहते हैं और इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। जब बॉर्डर पर तनाव होते हैं तो मैं जानता हूं एक तरफ तो सेना लड़ती है और दूसरी तरफ आप लड़ने का काम करते हैं। आपके बलिदान को बारंबार प्रणाम करता हूं, बारंबार नमस्कार करता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण आज परिस्थितियां बदली है। ये बात अभी संचालक सही कह रहे थे। देखो भाई, हम सबसे दोस्ती चाहते हैं, हम अपनी तरफ से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन भारत माता की तरफ अगर किसी ने आग उठा के देखा तो उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति। मेरे बहनों और भाइयों, माता रानी से मैं ये प्रार्थना करता हूं, चारणिया वालों पर, आप सब पर आशीर्वाद की वर्षा करें। आप सब सुखी हो, आप सब निरोग हो, आप सबका मंगल हो और आप सबका कल्याण हो। हे मां, सब पर आशीर्वाद की वर्षा करना। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, एक जमाना था, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुझे याद आ रहे हैं। जब इस धरती पर आता हूं तो मन में तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। विभाजन के समय हमारा पूरा का पूरा जम्मू और कश्मीर हमारा था, लेकिन पाकिस्तान ने हमला कर दिया, कबाइलियों की फौज आई और हमारी पवित्र जम्मू और कश्मीर की धरती पर वो कब्जा करने लगी। तब भारत की फौजें मजबूती के साथ लड़ रही थी, पाकिस्तानियों को खदेड़ रही थी। अगर 3 दिन युद्ध और चल जाता तो पूरा का पूरा कश्मीर हमारा होता, जम्मू हमारा होता। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए और युद्ध विराम हो गया। पंडित नेहरू अगर युद्ध विराम ना करते तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं, पूरा कश्मीर हिंदुस्तान का होता। ये अगर कश्मीर कि हमारी पवित्र धरती पाकिस्तान के कब्जे में गई है तो कांग्रेस के कारण गई है। ये पाप कांग्रेस ने किया है और इससे मेरे बहनों और किया है। ऐसी बहन को, परिवार की मुखिया को 18,000 रुपया हर साल दिए जाएंगे, उसके अकाउंट में दिए जाएंगे, उसके खाते में दिए जाएंगे। आप बताओ मेरी बहनों, बहन को मजबूर होना चाहिए क्या? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए क्या? जरूरत पड़े तो बहन के पास पैसे हो, उसकी आंखों में आंसू ना हो, उसके होंठों पर मुस्कुराहट हो। हमने लाडली बहना योजना बनाई, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना चल रही है, छत्तीसगढ़ में योजना चल रही है, उड़ीसा में योजना चल रही है। बीजेपी का संकल्प है बहनों को मजबूत करना आर्थिक रूप से, और वो हम पूरा करके रहेंगे। और एक बात और, अपनी बहनों से मैं कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, एक काम और हम करेंगे, ध्यान से सुनना। बताओ, किसी बहन को गरीब रहना चाहिए क्या? जोर से बोलो बहनों, गरीब रहना चाहिए क्या? हर बहन को लखपति बनाना है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये नरेंद्र मोदी का संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और लखपति का मतलब साल में उसकी आमदनी, घर का काम काज करते हुए कम से कम 1,00,000 रुपया होना चाहिए, मतलब 10,000 रुपया से ज्यादा। और इस विभाग का मंत्री मैं केवल कृषि मंत्री नहीं हूं डॉक्टर साहब, मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं। ये लाडली जो लखपति दीदी योजना है वो भी करना, प्रधानमंत्री ने वो काम भी मुझे ही सौंपा है। मैं बहनों, अरनिया वाली बहनों, आपको विश्वास दिलाता हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो बहन काम करना चाहेगी, हरेक की आमदनी 1,00,000 रुपया साल से ज्यादा की जाएगी। लखपति दीदी मेरी बहनें बने, उनके हाथ में आर्थिक ताकत आए। जब मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हमने लाडली बहना योजना बना के पैसे डाले,
तो मैंने बहनों से पूछा, बताओ तुम्हारे खाते में पैसा आ रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव आया? तो बहने बोली, भैया घर में इज्जत बढ़ गई है, अब तो सासू माँ भी बड़े प्यार से बोलती है, बहू कैसी हो, रोटी में घी लगा लो, पैसा तो आ रहे हैं। और कहने लगे, आजकल तो हमारे साथ भी बहुत अच्छे बोलते हैं, कहते हैं पप्पू की मम्मी पैसा आगे की नहीं आए, लेकिन उनको देना नहीं है, क्योंकि बहनों का पैसा आता है तो वो परिवार के कल्याण पर खर्चा करती है। मैं भाइयों की गारंटी नहीं ले सकता, पैसा आए तो कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर, बहने कभी नहीं कर सकती। आर्थिक रूप से मेरी बहने सशक्त हो और आगे बढ़े, ये लक्ष्य। और एक बात और अरण्य, राजीव जी, अश्विनी जी, मैं मंत्री हूं ग्रामीण विकास, एक काम और है मेरा, जिनके पास कच्चे मकान है उनके पक्के घर बन जाए। बोलो बताओ, सबके पास पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? तो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाइए, यहाँ हमारी सरकार फ्री में घर के लिए जमीन देगी और उस जमीन पर मकान बनवा के नरेंद्र मोदी जाएंगे, बीजेपी की सरकार देगी। हमको जिंदगी बदलनी है आपने जिंदगी। मेरे भांजे भांजियों, हमारा संकल्प है रोजगार। रोजगार बड़ा मुद्दा है। वैसे जब से मोदी जी आए कश्मीर में, एक बार फिर से विकास की बयार बही है, एक बार फिर से टूरिज्म उद्योग फल रहा है, फूल रहा है, कई रोजगार मिल रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन आज मैं आपसे ये कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, 5 लाख सरकारी नौकरियां हम अपने बच्चों को देंगे। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में हम, कैबिनेट हमारा ये फैसला करेगी, 5 लाख नौकरी कैलेंडर बना के कि किस महीने कौन सी नौकरी देंगे, ताकि जम्मू के भी मेरे बेटा बेटियों को रोजगार मिल सके, शासकीय सेवा में उनको स्थान मिल सके, हमारे बच्चे ढंग से पढ़ पाए। मेरे बच्चे मामा इसलिए कहते थे कि बच्चों के कल्याण के कई काम किए। जैसे एक काम हम करते थे कि बच्चों को 11वीं, जब वो आ जाते हैं 11वीं में, तो उनको लैपटॉप की जरूरत पड़ती है। जब वो दूसरे बच्चों को देखते हैं, लैपटॉप खेलने के लिए नहीं, लैपटॉप फिल्म देखने के लिए नहीं, लैपटॉप ज्ञान के लिए भी जरूरी है। लेकिन अगर कोई गरीब परिवार से आ गया, निम्न मध्यम वर्गीय है, और वो बड़े परिवार के किसी बच्चे को कंप्यूटर पे लैपटॉप पे काम करते देखता है, तो उसके दिल में भी भूख उठती है कि काश मेरे माता पिता के पास पैसे होते तो लैपटॉप मेरे पास भी होता, लेकिन नहीं होता। अब वो बच्चे चिंता ना करें, मामा ने पहले ही मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी भी प्रधान सेवक है। और इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, यहाँ अमन चैन कायम रहे, आतंकवाद ना फले फूले, धारा 370 फिर वापस ना आए, हमारा देश तरक्की करे, जम्मू रीजन आगे बढ़े, यहाँ के किसान फले फूले, मेरी माताओं बहनों का सशक्तिकरण हो, मेरे भांजे भांजी सुखी रहे। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, कोई चूक ना हो जाए, इस बार फिर कमल के फूल की बटन दबाए।